तो यार चंडीगढ़ के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए काफी सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, बट बहुत सारे बच्चों की एडमिशन अभी तक नहीं हुई है। तो इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि अभी आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। जब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे 6 अगस्त हो गई है डेट और रात के 2 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा आप सबके लिए एक वीडियो बना देनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं और बच्चे पूछते हैं यार फिजिकल काउंसलिंग अब क्या होगा, कि होगी भी कि नहीं, और हमारी एडमिशन अब कैसे होगी। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपकी एडमिशन अब कैसे होगी और अभी आपको क्या करना चाहिए। तो यार ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देख लेना, मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। और प्लीज़ लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है? बहुत मेहनत से आप सबके लिए रात को वीडियो बना रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना। काफ़ी सारे बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जो कनेक्ट चैनल पर नए हो कनेक्टेड रहना है चैनल से, ताकि जब भी अगली वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँ आपको वीडियो शो हो जाए। आगे भी आप सबको ऐसी गाइड करता रहूँगा और आगे भी आप सबके लिए वीडियो आते रहेंगे, ठीक है? तो मेरी तरफ से होप है कि सबको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी। अब देखो मेन जो मैं बात बताने वाला हूँ, देखो यहाँ पे जो काफ़ी सारे बच्चे क्या क्या ट्राई करते हैं कि यहाँ पे सेक्टर 11 वाला कॉलेज है, PGC 11 या फिर DAV कॉलेज या फिर SD कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। स्टार्टिंग में सारे बच्चे यार यही ट्राई करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जब बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती तो वो वेट करते रहते हैं कि आगे हमें उसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, जो कि यार सबसे गलत बात है, ठीक है? मैंने आपको पहले भी सारी वीडियोज़ में बताया है कि सारे कॉलेज यहाँ पे बढ़िया हैं, ठीक है? सारे चंडीगढ़ के कॉलेज हैं और सब एक ही, मतलब जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के ही हैं, तो सब एक तरह से सेम कॉलेजेस हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों ने, जैसे काफ़ी सारे बच्चों को देखो यहाँ पे SGGS से ऑफर आया था, कुछ बच्चों को यहाँ पे दूसरे किसी कॉलेज से जैसे PGC 46 से ऑफर आया, तो उन सब ने वहाँ पे एक्सेप्ट करके और अपनी एडमिशन करवा ली, तो वो बिल्कुल उन्होंने सही करा है, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी आपको करना है। सबसे पहले तो देखो आपने विलिंगनेस फॉर्म अगर भर दिया होगा तो ठीक है, बट अगर अभी तक किसी ने नहीं भरा तो इस टाइम पे आप दोबारा से फिर भर के देखो। मतलब किसी भी कॉलेज का पहले एक बार विलिंगनेस फॉर्म फिल कर दो, ठीक है? बाकी देखो SGGS है एक आपका और आपके GGSTW, तो ये जो दो कॉलेज हैं इसमें तो आप जरूर फिल करो, और यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होने के चांसेस भी। देखो मैंने GGSTW से बात भी करी है और वहाँ पे हमारे रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ पे मैंने उनसे बात करी कि काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने यही बताया कि BCOM के लिए अगर कोई बच्चा है तो बता दो, भेज दो, तो वहाँ पर हम करवा देंगे एडमिशन। तो ठीक है, आप में से जो भी अगर BCOM के लिए देख रहे हैं, कोई भी गर्ल्स वगैरह हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं, तो आप जरूर एक बार कॉलेज चले जाना, वहाँ पे आपके एडमिशन होने के भी पूरे चांसेस हो जाएगी एडमिशन। देखो इस टाइम पे आपको एक बार थोड़ा बहुत कॉलेज तो विजिट जरूर करना चाहिए एडमिशन के लिए। बाकी अगर आप ऐसे ही कॉन्टैक्ट करके देखना चाहते हो कर लेना, बट मैं यही आपको प्रेफर करूँगा कि आप कॉलेज चले जाना। बाकी देव समाज कॉलेज की तरफ से भी यही, हमारे जैसे चैनल पर बच्चे भी बता रहे थे कि यहाँ पे देव समाज में भी ऑफर आ रहे हैं, मतलब ऑफर नहीं, मतलब जैसे कॉलेज में यही बोल रहे हैं कि अभी एडमिशन चल रही है फिजिकल काउंसलिंग, मतलब अगर वहाँ देखो फिजिकल काउंसलिंग के लिए किसी भी कॉलेज के लिए कोई नोटिस नहीं आया है, ठीक है? मतलब ऑफिशियली अभी फिजिकल काउंसलिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। तो जो बच्चे पूछ रहे थे फिजिकल काउंसलिंग, तो ऑफिशियली मतलब अभी किसी भी कॉलेज ने कोई नोटिस नहीं दिया है, तो मतलब वो फिजिकल काउंसलिंग अभी डायरेक्ट नहीं कर रहे, बट मतलब ऐसे बता के नहीं कर रहे, पर अंदर से ऐसे फिजिकल काउंसलिंग चल रही है। जैसे जैसे SGGS के लिए काफ़ी सारे बच्चों को मतलब अभी भी ऑफर आ रहे हैं हमारे चैनल से कनेक्टेड है, वो काफ़ी सारे बच्चे, उन्होंने बताया कि हमें एडमिशन मिल गई SGGS में, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और GGSAW भी आपका, इसमें भी आप जरूर ट्राई करो, और इन SGGS में तो जरूर। उसके बाद अब यहाँ पे आपको PGC 46 है, जैसे अब मान लो ये जो कॉलेज है, जैसे ये GCGB 50, ये भी दो कॉलेज है मान लो, ठीक है? ये GCG 42, तो ये कॉलेज में अब क्या हो रहा है, जैसे कि अब वहाँ पर एडमिशन के लिए अगर उनके सीट खाली होगी ना, तो वो पहले तो एक तरह से कैलकुलेट करेंगे कि कितनी सीट है, मतलब जो भी वो अपना जो भी प्रोसीजर फॉलो करना करते रहेंगे, और अगर नहीं करना तो वो भी उनकी मर्जी होती है कि हमें अब आगे क्या करना है, मतलब जो भी शो करना है कि नहीं। बट मेन बात यहाँ पे ये है कि कॉलेजेस को हैंड ओवर कर दिया गया और कॉलेज के हाथ में ही है अभी सब कुछ एडमिशन वगैरह। तो इस कॉलेज में अगर एक भी सीट होगी और उससे आप कॉन्टैक्ट करोगे, बोलोगे मेरे को एडमिशन चाहिए, तो वो यही ढूंढ रहे हैं कि कोई भी बच्चा आ जाए हम उसको एडमिशन दे देंगे, चाहे उसकी कितनी भी परसेंटेज हो। तो यहाँ पर ये भी देखा गया पहले के टाइम के हिसाब से 60% वाले बच्चों को भी BBA में यहाँ पर एडमिशन मिली है। तो मैंने यही देखा है कुछ बच्चों के, जैसे यहाँ पे 60% हमारे चैनल से कनेक्टेड थे पिछले साल, तो उनको भी जैसे यहाँ GCG 42 है, BCA में यहाँ पे भी बच्चों को एडमिशन मिली है। तो आप में से अगर कोई भी है परेशान बिल्कुल मत हो, तो ठीक है इन कॉलेजेस का तो मेरे को पता है कि जैसे SGGS है आपका, GGSTW, देव समाज कॉलेज, PGC 46, GCG 42 और GCGBA 50, तो इन सब में यार सीट्स जरूर खाली है मेरे को पता है। और MCM DAV भी आपका, और यहाँ पे DAV कॉलेज भी, मतलब किसी अगर ज़्यादा परसेंटेज है वो एक DAV कॉलेज में आप ट्राई कर सकते हो बात करके। और बाकी ये जितने भी कॉलेज मैंने बताए उनमें तो देखो एक तरह से आप विलिंगनेस फॉर्म अपना फिल करने का सबमिट, मतलब ट्राई करने का करके देखो अगर होता है, उसके बाद मतलब विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करते ही अगर पहले से सबमिट करके ठीक है, अगर नहीं करा तो एक बार कर लेना, और उसके बाद आप डायरेक्ट एक बार कॉलेज चले जाना, या फिर आप कॉलेज में बात करके देखो कि अभी तक हमारी एडमिशन नहीं हुई है और एडमिशन करवानी है प्लीज़ करवा दो, तो वो करवा देंगे, ठीक है? अभी भी बहुत सारे बच्चों की एडमिशन हो रही है तो हो जाएगी आपकी भी, तो एक बार जरूर ट्राई करना इन कॉलेजेस में। बाकी मैंने GGSTW में तो अपनी दीदी से बात कर ली है, वो वहाँ पे प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर BCOM के लिए कोई बच्चा है तो उसको मतलब भेज सकते हो वहाँ, ठीक है? तो आप चले जाना अगर कोई BCOM के लिए देख रहा है वीडियो और अभी तक आपकी एडमिशन नहीं हुई, तो सारे कॉलेज बढ़िया है भाई यहाँ पे, ठीक है? ये खालसा कॉलेज है जैसे SGS, तो ये भी इसी का दूसरा कॉलेज है, यहाँ पे भी आप एडमिशन जरूर ले सकते हो। और हमारे चैनल से कनेक्टेड यहाँ पे देख सकते हो, मोहित शर्मा ने यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में यही बताया कि EWS के लिए उनके जैसे यहाँ पे टीचर्स बता रहे हैं कि अगर किसी के मतलब अगर EWS कोई सर्टिफिकेट है, मतलब किसी के पास अगर कोई रिजर्वेशन वगैरह है, तो
तो वो यहाँ पे अपनी एडमिशन करवा सकते हैं, मतलब यहाँ पे सीट्स हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी तो EWS का लिखा है, बाकी भी अगर दूसरे कोई बच्चे हैं उनकी लिए उनकी भी एडमिशन हो सकती है, ठीक है, हो जाएगी। तो आप जरूर एक बार चैनल से मतलब यहाँ पे कॉलेज से कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, और हमारे यार यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, कनेक्टेड रहना, ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आपके साथ और भी शेयर करते रहेंगे तो, ठीक है। मैंने जो भी बताया आपको इन कॉलेज में आपको एक बार जरूर ट्राई करना है। बाकी फिजिकल काउंसलिंग का अगर होती है तो आगे मतलब नोटिस वगैरह आ जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। मतलब अभी ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आया, बट यही बात है कि इस टाइम पे कॉलेज में एडमिशन चल रही है, सभी कॉलेज में चल रही है। तो किसी कॉलेज में जैसे मान लो SGD कॉलेज है, वहाँ पर मान लो एक भी सीट अगर खाली होती है तो वो मतलब एक तरह से ऐसी जगह मतलब वो कॉलेज है ना वहाँ पर कि अगर कोई सीट खाली होती तो वो मतलब स्पेशल ही किसी बच्चे को बताया जाएगा कि वहाँ पर सीट खाली हुई है तो वो वहाँ पर एडमिशन लेगा कोई स्पेशल बच्चा, ठीक है। तो समझ रहे हो, मतलब वहाँ पे सारे एक तरह से मतलब यही बोलना चाहता हूँ कि मान लो जितने भी अमीर बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चे को मतलब बता दिया कि भाई तेरे को एडमिशन चाहिए थी, हाजिर ले ले एडमिशन। तो मतलब कोई ऐसे ही किसी को नहीं बताया जाएगा वहाँ पे, अगर उन्हीं कोई जान पहचान वाले होंगे उन्हीं को बताएंगे कि सीट खाली है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर यही चलता है, ठीक है यार। बाकी यहाँ पर जैसे अभी इन कॉलेज में एडमिशन चल रही है आपको कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको, यहाँ पर मतलब पता चल जाती है बात, तो ऐसे ही होता है यार यहाँ पर, ठीक है। तो जिसको भी पता चलती है, जैसे यहाँ पे बच्चे ने बताया यहाँ पे मोहित शर्मा ने, तो उनको जैसे यहाँ पे पता चला है तो उसने यहाँ पे मेरे को बताया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है यार यहाँ पे, आगे से आगे जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको जैसे मैंने बताया जो भी गाइड किया है बट एकदम सही तरह से गाइड किया है अभी इस टाइम पर आपको, तो जो भी बताया आपको यही करना है इस टाइम पर। तो लाइक जरूर कर देना है इस वीडियो को, और परेशान बिल्कुल मत होना, एडमिशन आपकी हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे यार अभी भी जैसे अब SGD कॉलेज में अगर आपने सोच रखा है DAV में SGD में या फिर आपका PGC 11, तो वहाँ पे अगर किसी को सीट मिलेगी तो आप खुद सोचो वो वहाँ पे सीट नहीं छोड़ते बच्चे, ठीक है। बट फिर भी कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे अब यहाँ मतलब किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर किसी ने अप्लाई कर रखा हो उसको वहाँ एडमिशन मिल जाए तो ही वो सिर्फ यहाँ पे सीट छोड़ने के चांसेस होते हैं। बट अगर आप खुद सोच देखो, अगर आपको अगर इनमें से किसी कॉलेज में मिले हो तो क्या आप सीट छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे ना। तो इसलिए बच्चे भी सीट नहीं छोड़ते, तो बिल्कुल परेशान मत हो कि अगर आपको उनमें से किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती। बट मेन जो बात है, अभी तक आपने यहाँ पे वीडियो देख ली तो मैं ये बात बताना भूल गया कि देखो DAV कॉलेज की तरफ से देखो क्या नोटिस आया है कि यहाँ पे फ्यू सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे सेकंड और थर्ड ईयर के लिए। तो यहाँ पे यही मतलब है, देखो सेकंड और थर्ड ईयर में अगर सीट खाली हो रही है तो फर्स्ट सेकंड ईयर वाले जो भी बच्चे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर वाले जो भी बच्चे हैं या सेकंड ईयर वाले अगर कोई है तो वहाँ पे थर्ड ईयर में DAV कॉलेज में जा सकते हैं, मतलब अभी भी चांसेस हैं, देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी मतलब कई बच्चे सीट अगर छोड़ के चले गए तो यहाँ पे DAV कॉलेज में बाद में भी कॉलेज चेंज हो जाता है, एडमिशन हो जाती है। तो यहाँ पे वो खुद ही ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर देना जो भी चैनल पर नए हो, ठीक है। कनेक्टेड रहना यार, और बहुत मेहनत से आप सभी वीडियो बनाई है, पूरा आपको गाइड कर दिया है जो भी था। तो मैं होप करता हूँ अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, आपकी थोड़ी टेंशन यार जरूर दूर हुई होगी। और ये वीडियो अपने पेरेंट्स को भी जरूर दिखा देना और बताना कि भाई आपके भाई ने यहाँ पे क्या बताया आप सबको, और गाइड भी किया है और आगे भी आप सबको गाइड करता रहूँगा। परेशान बिल्कुल मत होना, कुछ पूछना तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बस अगली वीडियो मिलते हैं यार, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना जिसकी अभी तक एडमिशन नहीं हुई है। और मैं होप करता हूँ आप सबकी एडमिशन यहाँ पे हो जाएगी। तो ठीक है, अभी तक जब तक एडमिशन नहीं होती आराम करो यार, परेशान बिल्कुल मत हो। और भी बहुत सारे कॉलेज हैं और भी काफ़ी कुछ मतलब ऑप्शन हैं, तो ऐसा ही कुछ नहीं होगा कि आपकी मतलब दिक्कत होगी कोई। तो यहाँ पे इनमें से किसी कॉलेज में मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, बाकी हमारे पास भाई और भी ऑप्शन होते हैं। तो परेशान बिल्कुल मत होना, बस कनेक्टेड रहना अपने भाई के चैनल से, ठीक है। तो अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन गाइस स्टे हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।